एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट क्लासिकल थ्योरी क्लासिकल थ्योरी को फ्री विल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है तो बेसिकली फ्री विल मीन्स एबिलिटी टू मेक डिसीजन फॉर आर सेल्फ मतलब इंसान अपने अच्छे और बुरे के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है एंड दे कैन टेक डिसीजन और बिहाफ ऑफ दैम तो इस थ्योरी का ये मानना था कि इंसान के लिए क्राइम करनी एक चॉइस होती है ये उनके खुद के डिसीजन का बेस है ना कि किसी सैटन का इन्फ्लुएंस जैसा कि प्री क्लासिकल स्कूल थ्योरी ने कहा था तो इस तरह से इस थ्योरी ने प्री क्लासिकल थ्योरी के पॉइंट्स को पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया और साफ साफ ये बोला कि ये इंसान की फ्रीविल पर डिपेंड करता है इंसान के खुद के चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा पाथ अपने लिए फॉलो करते हैं इस थ्योरी के पाए थे बेकरिया बैंथम और रोमिली इस थ्योरी ने फर्स्ट टाइम पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और यहाँ यह माना जाता था कि जो पर्सन का बिहेवियर है इट इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर फ्री विल सो बेसिकली हियर द मेन फोकस वाज ऑन ग्रेविटी ऑफ क्राइम जितना ज़्यादा हीनियस क्राइम होता था उतनी ही सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी यहाँ यह कहा गया है कि पनिशमेंट उतनी ही सीवियर होनी चाहिए जितना सीवियर वो क्राइम है सो दैट पनिशमेंट कुड आउटवेट द प्लेजर जो कि उस पर्सन को मिलता है वाइल्ड कमिटिंग द क्राइम तो जितना सीरियस क्राइम उससे कई ज्यादा सीरियस पनिशमेंट बट यहां पर एक छोटा सा ड्रॉबैक भी था वो ये था कि यहां पर यानी कि क्लासिकल स्कूल में रेसिडिविस्ट uh, को और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को सेम पनिशमेंट दी जाती थी सो सेम पनिशमेंट फॉर सेम क्राइम इर ऑफ कि क्रिमिनल की एज क्या है उसकी क्राइम करने की वजह क्या है उसका बैकग्राउंड क्या है वेदर वो एक रिपीटर है या वो फर्स्ट टाइम क्राइम कर रहा है इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था और ये सारी चीज़ें ही एक मेन ड्रॉबैक साबित हुई क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के लिए इस थ्योरी का कहना था कि इंसान बहुत सेल्फिश होता है और उसकी सेल्फिशनेस ही ये सेल्फ सीकिंग नेचर ही उसके क्राइम करने की बेसिक वजह बनती है बात करें इस थ्योरी के मेन ड्रॉबैक्स की तो ये थ्योरी थोड़ी कम साइंटिफिक थी मतलब यहाँ पे बेसिकली ग्रेविटी ऑफ क्राइम पर फोकस किया गया था ना कि क्रिमिनल कि आखिर क्राइम कितना सीरियस है आखिर क्राइम कितना हीनियस है और उन्होंने पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट भी क्राइम को रोकने के लिए लाया था क्राइम को रोकने के लिए सजेस्ट किया था तो हमें यहाँ पे क्रिमिनल बिहेवियर को कम करने या फिर क्रिमिनल माइंड को रिफॉर्म करने का नजरिया उतना नहीं देखने को मिलता है सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस थ्योरी में सिर्फ क्राइम ही पनिशमेंट डिटरमाइन कर रहा था इरिस्पेक्टिव ऑफ कि क्रिमिनल की मेंटल कंडीशन कैसी है क्रिमिनल की एज क्या है उसके सरकमस्टेंसेस क्या है इन सारी चीजों को नेगलेक्ट कर दिया जा रहा था मोर ओवर एक जुबेनाइल को और एक एडल्ट को सेम पनिशमेंट मिलना भी काफ़ी हद तक सही नहीं है क्योंकि कुछ केसेस में एक जुवेनाइल यानी कि एक अंडर एज पर्सन और एक एडल्ट इन दोनों के सोचने का तरीका बहुत अलग होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके क्या सजेशन्स हैं इस बारे में एंड वी विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन न्यो क्लासिकल स्कूल न्यो क्लासिकल स्कूल थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था और मोर साइंटिफिक एंड मोर प्रैक्टिकल वर्जन था क्लासिकल स्कूल थ्योरी का टिल देन कीप स्टडिंग कीप वॉचिंग एंड डोंट फोर गेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कुड गेट अपडेट ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज एंड प्ले लिस्ट को जरूर चेक कर लेना थैंक यू सो मच